हेलो, कैसे हो मेरे पढ़ाकू दोस्तों। सुबह की वीडियो देखी है? तो एक काम प्लीज, आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ यार, कम से कम शेयर कर दिया करो। इतनी मेहनत मैं करता हूँ, शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। लाइक कमेंट्स कमेंट्स आप लोगों के ठीक ठाक आ रहे हैं, जहाँ गलतियाँ होती हैं आप लोग ऐसे ही कमेंट्स करिए, उससे हौसला मिलता है, सुधार संभव होता है जितना भी मुझसे टाइम मिलता है। तो आज कोशिश करेंगे एक वीडियो और दें आप लोगों को। और ये क्लासिफिकेशन का झंझट आठ नंबर है, कल से हम कैटलॉगिंग का देखते हैं। कुछ मटेरियल फिर कहीं और से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एक किताब मेरी बहुत अच्छी किताब थी, अभी मंगाई थी लेटेस्ट, मुझे याद नहीं कौन स्टूडेंट मेरा लेकर रख लिया। तो ऐसा होता है, 20-22 साल पहले मैंने लाइब्रेरी साइंस पढ़ी थी, लेकिन आप लोगों का ही प्यार है कि आज मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के चक्कर में। मैं भी थोड़ा सा देख लेता हूँ, बिजनेस और जॉब के बाद जो समय मिलता है उसका सदुपयोग आप लोगों के लिए मैं करता हूँ। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों जल्दी जल्दी जॉब मिले और आप लोगों के जीवन की टेंशन कम हो, आपका जीवन सुखमय हो। शुरुआत करते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण किसी भी पुस्तक के विषय के नाम को क्रम सूचक अंकों की अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना है। जिसे इस सेंटेंस को किसने कहा है? मेलविल डीवी ने कहा? नहीं, सियर्स ने नहीं कहा, एच ई बुलिस ने नहीं कहा, यह कहा डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। पुस्तकालय वर्गीकरण के दर्शन पर एक मोनोग्राफ लिखने के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किसने आमंत्रित किया था? मेलविल डीवी ने नहीं किया था, पी एन कोला ने नहीं किया था, सीएस ने नहीं किया था, यह किया था जीन एंकर ने। ऑन्टोलॉजी किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में मैं इसे रखता हूँ, ये भी पूछा गया है कई बार। ऑन्टोलॉजी संबंधित है तो स्टडी ऑफ एक्शन से नहीं है, स्टडी ऑफ आर्ट से नहीं है, स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से नहीं है, यह हमारा नेचर ऑफ एक्सिस्टेंसी से। वर्गीकृत सूची में सम्मिलित होता है तो वर्गीकृत भाग तथा लेखक सूची इसमें सम्मिलित नहीं होती है, वर्गीकृत भाग तथा नाम सूची सम्मिलित नहीं होती है, और वर्गीकृत भाग तथा विषय सूची भी शामिल नहीं होती है। इसमें होती है हमारी वर्गीकृत भाग तथा वर्णमाला भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। डीडीसी में मानक विभाजन से पूर्व किस अंकन का उपयोग किया जाता है? 00, 4 बार 0, 3 बार 0 नहीं किया जाता, बल्कि एक ही 0 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सारणी द्विबिंदु वर्गीकरण में प्रदान की गई है? सहायक सारणी को ऑक्सिलरी टेबल नहीं है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन नहीं है, फॉर्म डिवीजन नहीं है, बल्कि क्या सामान्य एकल है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन कहाँ दिए गए हैं? तो डीडीसी में दिए गए हैं। ऑस्मोसिस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑस्मोसिस का सिद्धांत हमारा इक्विजिशन परिरक्षण या प्रिजर्वेशन से नहीं है, भंडार सत्यापन से भी नहीं है, यह है पुनः वर्गीकरण से। प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस इज कंसर्न विद द रिक्लासिफिकेशन। समुद्र विज्ञान विषय निर्माण की विधि कौन सी है? मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट ओशनोग्राफी। तो हमने कल भी बताया था यह कुलन भी नहीं है, आसवन और शिथिल समुच्चय नहीं है, यह है क्लस्टर है, सब्जेक्ट बंडल पैर में कहते थे, बहुत सारे विषयों का समूह समुद्र विज्ञान। मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर द्विबिंदु वर्गीकरण के किस पक्ष का संबंध उदाहरण है? मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ पीच फेज रिलेशन इन द सीसी। तो सामान्य एकल नहीं है, तुलनात्मक नहीं है, प्रभावात्मक नहीं है, पक्षात्मक या बायस है। कोलन वर्गीकरण में एलईडी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली अवधि क्या है? थ्री
30 साल नहीं है, 40 साल नहीं है, 20, 10 साल, इस पे मुझे डाउट है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे ख्याल से 20 साल शायद। एलईडी जो है कमेंट्स करके बताइए, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, 10 साल है 20 साल है। विषय निर्माण की विधियां किसने दी हैं? तो मार्टिन ने नहीं है, फास्टगेट नहीं है, ब्रेडफोर्ड ने भी नहीं दी, तो ये दी थी डॉक्टर रंगनाथन ने। कोलन क्लासिफिकेशन चिकित्सा शास्त्र वर्ग में ट्रीटमेंट को किस स्वरूप में श्रेणीबद्ध किया गया है? तो पदार्थ भी नहीं होता है, किसी का इलाज करना समय भी नहीं होता है, और व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी पक्ष नहीं, बल्कि यह काम होता है। तो काम क्या होता है हमारा? एनर्जी आइसोलेट होता है, ऊर्जा पक्ष। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी वर्गीकरण कौन सी योजना है? तो DDC हमारी 1876 की है, UDC 1905 की है, BFC बिब्लियोग्राफी 1935, कोलन क्लासिफिकेशन 33। तो सबसे पुरानी कौन सी हुई हमारी? DDC हुई 1876। DDC का 23वें संस्करण में तालिका दो क्या है? तो तालिका दो हमारी लिटरेचर उप विभाजन नहीं है, मानक उप विभाजन नहीं है, और भाषा उप विभाजन नहीं है। तालिका दो है हमारी भौगोलिक ऐतिहासिक जीवनी। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा कितने प्रकार के अंकन प्रतिपादित किए गए हैं? तो पांच भी नहीं है, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, कितने? चार अंकन है। DV दशमलव वर्गीकरण टेबल्स ऑफ प्रेसिडेंसी निम्नलिखित में से प्रयोजन हेतु प्रदत्त है? टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, तो सारे ऑप्शन तो ठीक नहीं है, मानक विभाजनों को जोड़ना ये भी नहीं है, एक रूपता ही सही लगता है, कंसिस्टेंसी है, और संयोजन हेतु वैकल्पिक उपाय ये भी नहीं है। ओ वर्ग में साहित्य पक्ष का परिसूत्र है? तो P, P2, P3, P4 है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ए ऑप्शन बी और डी इसके नहीं है। DDC का प्रथम संस्करण में क्या है? तो DDC के जो प्रथम संस्करण है, 4 पेज का नहीं था, ना 124 पेज का था, 124 पेज का भी नहीं था, बल्कि वह केवल 44 पेज 44 पेज थे फर्स्ट एडिशन जब पब्लिश हुआ DDC का 1876 में। फोनिक्स शेड्यूल या फिनिक्स अनुसूची निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति में है? तो कोलन में नहीं है, UDC में नहीं है, और बिब्लियोग्राफिक में भी नहीं है, ये हमारे DDC में है। वर्गीकृत सूची संहिता के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को किस रूप में लिखा जाएगा? तो दिल्ली कोमा एजुकेशन और विद इन सर्कुलर ब्रैकेट मिनिस्ट्री ऑफ हाइफन। विषय वर्गीकरण को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बलिस के द्वारा, ब्रेडफोर्ड के द्वारा नहीं किया गया था, और ना ही डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा किया गया था। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किसका था? तो JD ब्राउन का था। DDC में वर्गों के विभाजन का पहला कर्म किस पर निर्धारित है, किस पर आधारित है? वर्गीकरण की एजीवेट प्रणाली पर भी नहीं है, पेरिस के बुक विक्रेताओं की प्रणाली भी नहीं है, नियत स्थान प्रणाली भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है फ्रांसिस बेकन के फाउंटेन ऑफ लर्निंग के 3 स्रोतों पर। भित्ति चित्र सिद्धांत किस के लिए एक सिद्धांत है? तो एक व्यक्ति में वर्गों को सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करना ये भी नहीं है, एक चक्र में स्त्रियों को सुनिश्चित करना ये भी नहीं है, बचे दो, दोनों में से सही देखते हैं। कैटलॉग कार्ड की फाइलिंग करना ये भित्ति चित्र सिद्धांत नहीं हो सकता, तो यह पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत। रेमिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? तो रेमिफिकेशन रिक्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, है ना, शब्द अलग है। तो रेमिफिकेशन कहाँ होता है? पंक्ति में नहीं होता, सामान्य एकल नहीं होता है, और ना ही उपसूत्र होता। तो यह क्या है? डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ ए सब्जेक्ट, एक ही विषय के क्षेत्र में विभाजन और उप विभाजन होता है।
डीडीसी में संश्लेषी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? तो सापेक्षिक अनुक्रमणी का नहीं है, अनुसूचियों की गणना भी नहीं है, तो वह हमारी तालिका है और अनुदेशों को जोड़ना, ऑप्शन डी ठीक है। डायनेमिक थ्योरी वर्गीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो जेडी ब्राउन ने नहीं दिया था, ये मेलविल डीवी ने भी नहीं और सीएस ने भी नहीं, ये दिया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। स्पेशिएटर की अवधारणा को पहली बार सीसी के किस संस्करण में प्रयोग किया गया था? स्पेशिएटर की अवधारणा जो थी हमारी फोर्थ एडिशन में नहीं, सिक्स्थ में नहीं, फिफ्थ में नहीं, ये सेवन्थ एडिशन में दिया था। गैप डिवाइस एक वर्गीकरण स्कीम को बनाने में मदद करता है, तो पक्ष पदानुक्रम और परिगणनात्मक नहीं बल्कि हॉस्पिटलिटी या ग्राह्यशीलता को जो गैप डिवाइस है यूज करते हैं हम किसके लिए, कि नया सब्जेक्ट आएंगे उनके लिए। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप का गठन किया गया था? तो इंडिया में नहीं किया गया था, यूएसए में नहीं किया गया था, जर्मनी में नहीं बल्कि ग्रेट ब्रिटेन में किया गया था। मेडिसिन के प्रमुख वर्ग में आइसोलेट ट्रीटमेंट किस पक्ष का हिस्सा है? आइसोलेट ट्रीटमेंट, बार बार ट्रीटमेंट आता है तो एनर्जी है यार, ऊर्जा पक्ष है भाई मेरे, व्यक्तित्व पक्ष पदार्थ और समय नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें क्या, इसको रिपीट हो रहा है। डीडीसी के 23वें संस्करण में कितने टेबल हैं? तो 23वें संस्करण में हमारी पहले सात थी, वो नहीं रही, पांच तो हुई नहीं और आठ भी अभी तक नहीं हुई है, आंसर है छः। क्रिएटिव कॉमन सीसीयू 0 किसके लिए है? सीसी कॉलम क्लासिफिकेशन नहीं है, क्रिएटिव कॉमन ऑफर्स सीसी 0 फॉर द कॉपीराइट होल्डर्स, विक्रेताओं के लिए नहीं, उपयोगकर्ताओं के लिए नहीं, प्रकाशकों के लिए नहीं है। कॉलन क्लासिफिकेशन छठा पुनर्मुद्रित संस्करण के अनुसार मुख्य वर्ग साहित्य के निम्नलिखित रूपों का क्रम सही क्या है? तो इसका सही क्रम है हमारा पोएट्री, फिक्शन, ओरेशन और कैंपू है। यूनिमार्क किसका योगदान है? तो ओसीएलसी यूनेस्को का नहीं है, एलसी का नहीं है, यह है यूनिमार्क हमारा इफला का है। यूडीसी में इक्वल 0-0 क्या दर्शाता है? तो यूडीसी में इक्वल 0-0 कृत्रिम भाषाएं नहीं दर्शाता, अनुवादित डॉक्यूमेंट्स और बिना अनुवादित परिलेख भी नहीं है, यह बहुभाषी परिलेख इसका आंसर है, मल्टीलिंगुअल डॉक्यूमेंट्स। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार निम्नलिखित में से किस उपसूत्र का अर्थ यह है कि प्रत्येक वर्ग संख्या के द्वारा एक और केवल एक ही या एकल विचार को दर्शाया जाना चाहिए? तो यह है सापेक्षता का उपसूत्र भी नहीं है, पदानुक्रम का उपसूत्र भी नहीं है, स्मृति सहायक उपक्रम का सूत्र भी नहीं है, समनाम, कैनोनिक समनाम का उपसूत्र। निम्नलिखित में वर्गीकरण अनुसंधान समूह सीआरजी लंदन की विशेषताएं क्या हैं? तो सीआरजी लंदन की विशेषताएं हैं हमारी पहली, इसकी विशेषता है समूह के सैद्धांतिक कार्य में पक्ष विश्लेषण, रिलेशन ऑपरेटर और एकीकृत शस्त्रों के सिद्धांतों का अध्ययन शामिल किया गया है, और सीआरजी सबसे पहले पृथक तत्वों के एक साथ करने तत्पश्चात उनके द्वारा निर्मित ज्ञान के अक्षेत्र का निर्धारित करना में रुचि रखता था। रिक्त अंक का अर्थ है तो क्रम सूचक मान के साथ विद ऑर्डिनल वैल्यू और विदाउट सिमेंटिक वैल्यू, ये इसके आंसर है। क्रम सूचक मान के बिना इसका और अर्थमान के साथ इसके आंसर नहीं है। कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण में एक साधारण पुस्तक के वर्गीकरण करने में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइटल को एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद टाइटल इन कर्नल टर्म्स है, फिर टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म, और सबसे लास्ट में आएगा टाइटल टाइटल इन फेसेट नंबर। कोलन वर्गीकरण में, कोलन क्लासिफिकेशन में रिक्त अंक या रिक्तक अंकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वर्णमाला संकेतन का उपयोग किया जाता, तो ए बी का नहीं है, बी और सी भी ठीक नहीं है, बी और डी भी नहीं है। सही आंसर है ए और सी, यू और डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है, वी और एक्स का नहीं किया जाता। निम्नलिखित को डीडीसी के किस एडिशन में उसकी गणना के क्रम में व्यवस्थित करें, तो पहला आएगा मनोविज्ञान, उसके बाद आएगा भारत का मूल धर्म, फिर लोक प्रशासन, और सबसे लास्ट में आएगी हमारी उच्च शिक्षा। निम्नलिखित अंकनों को उनके क्रमिक मूल्य के अनुसार व्यवस्थित करें जैसा डॉक्टर रंगनाथन ने कोलन में दिया है, तो पहले स्टार आएगा एस्ट्रिक, उसके बाद आएगा एम्परसेंट, फिर आएगा कोमा, और बाद में आएगा बैकवर्ड एरो। ऑप्शन ए ठीक है। निम्नलिखित पुस्तकालय वर्गीकरण योजनाओं को पहले प्रकाशन वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करें, तो पहले हमारा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, उसके बाद है यूडीसी 1905 कोलन 1933, उसके बाद है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। द्वि बिंदु वर्गीकरण में पुस्तक संख्या के लिए पक्ष सूत्र का सही क्रम क्या है, तो यह हमारा वॉल्यूम लैंग्वेज कॉपी नहीं है, लैंग्वेज कॉपी वॉल्यूम नहीं है, कॉपी लैंग्वेज वॉल्यूम नहीं है, यह है लैंग्वेज वॉल्यूम और कॉपी, ए ऑप्शन ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन के पक्ष अनुक्रम के सिद्धांतों को निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, तो ए सी डी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है। तो पहला आएगा चाइल्ड, यानी कि मेन क्लास हमारी एल है, चाइल्ड क्या पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी के बाद क्या है लंग्स है, लंग्स के बाद फिर आएगा हमारा ए ऑप्शन है ट्रिपोलोसिस, उसके बाद है ट्रीटमेंट। बीएफ डीबी निम्नलिखित में से किस विषय शीर्षक सूची के समूह के साथ समर्थित है, तो वह एल सी एस एच, एम सी एस एच, बी आई एस ए सी के साथ। बीएफ डीबी क्या है, ऑनलाइन संस्करण है 23वां एडिशन डीडीसी का, तो वह इन तीनों के साथ इनके ग्रुप में है। वर्गीकरण के संदर्भ में एक ओपन एरे क्या है, तो एक ओपन एरे है हमारा बहिर्वेशन को स्वीकार करने वाली वर्गों की पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट्रो एक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन का आविष्कार किसने किया था, भाई मैंने तो नहीं करा था, ना ही मेलविल डीवी ने, सियर्स ने भी नहीं किया था, और डॉक्टर रंगनाथन ने मना कर दिया था, तो बचा कौन इनमें, ईजे कोर्स, तो रेट्रो ऑर्डिनल नोटेशन का आविष्कार ईजे कोट्स ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लुईस स्पीतिति द्वारा प्रस्तावित फेसिट विश्लेषण के सरलीकृत मॉडल के लिए सही नहीं है, तो फ्रेंड्स जो सही नहीं है वो
वो देखते हैं या पहले वो देखें जो सही है। तो सही क्या है हमारा, यह रंगनाथन और सीआरजी दोनों ने प्रस्ताविक पक्ष विश्लेषण सिद्धांत को शामिल किया था। यह सही है। मॉडल ने रंगनाथन के काम के तीन स्तरों को विभाजित किया। सही है। प्रिंसिपल शब्द का प्रयोग कैनन तथा पोस्टुलेट की जगह किया गया। सत्य है। यह सही नहीं है कि रंगनाथन के सिद्धांतों के पक्षपाती और विशेष रूप से मूलभूत चुनाव और पक्षों के अनुक्रम के क्षेत्र में, यह गलत। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन किस प्रकार की योजना है? तो फ्रेंड्स वह लगभग परिगणनात्मक नहीं है, लगभग पक्षात्मक नहीं है, स्वतंत्र पक्षात्मक नहीं है, विशुद्ध परिगणनात्मक प्योरली इनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, इसका मतलब यह है कि आप इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, मतलब आपको सारे अंक रेडीमेड ही मिलेंगे। पुस्तकालय वर्गीकरण में रिक्त अंक का अर्थ होता है एक अंक का कोई मूल्य नहीं, यह गलत है। दोनों क्रम बोध या अर्थगत मानने वाले अंक ये भी नहीं है, केवल अर्थगत मान वाले अंक भी नहीं है। तो इसका आंसर है केवल क्रम बोध मानने वाले अंक, इसका राइट आंसर है। डीडीसी स्कीम में मुख्य वर्ग 800 साहित्य के लिए तालिका 3 और इसकी 3 उपश्रेणियां 3A, 3B, 3C की मदद से संख्याओं के निर्माण के लिए पर्याप्त संश्लेषण उपलब्ध है। किस तालिका का उपयोग एक या एक से अधिक लेखकों के द्वारा काम में लिया जाता है? तो लिया जाता है टेबल 3A का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पोलन वर्गीकरण के छठे संस्करण में मुख्य वर्ग गणित का विभाजन किसके अनुसार है? तो कालक्रम के उर्ववर्ती सिद्धांत के अनुसार नहीं है, विकास क्रम के उत्तरवर्ती सिद्धांत के अनुसार नहीं है, जटिलता में वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार नहीं, बल्कि यह है प्रामाणिक उपसूत्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल सीक्वेंस। निम्नलिखित में से एक पृथक या अलग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोलेट? तो क्या है इसमें, हिस्ट्री मेन क्लास है, इंडिया सॉरी इंडिया नहीं है, मेडिसिन मेन क्लास है, लॉ भी मेन क्लास है, इंडिया क्या है, स्पेस है, तो यह अलग है। एप्टिंग डिजिट का उपयोग कोलन वर्गीकरण में हॉस्पिटलिटी इन एरे प्रदान करने के लिए किया जाता है। हॉस्पिटलिटी इन चेन, हॉस्पिटलिटी नोटेशन और ब्रोकन ऑर्डर, इसका आंसर नहीं है। निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण के लिए अपने प्रामाणिक सिद्धांतों के नामकरण में कैनन शब्द का उपयोग किया था? तो कैनन शब्द का उपयोग किया था हमारा एस आर रंगनाथन ने किया था, डब्ल्यू सी बर्बिक्शियर्स ने किया था, तो वाइडन हलमे नहीं है, मतलब एच डब्ल्यू हलमे, और इसी रिचर्डसन नहीं है। तो सही ऑप्शन हमारा डी है। निम्नलिखित वर्गीकरण योजनाओं के उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्था है सबसे पहले डीडीसी है, डीडीसी ए ऑप्शन किसमें सही है, इसमें सही है और इसमें सही है, तो ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते। ठीक, डीडीसी 1876 में आया था। तो डीडीसी के बाद कौन सा आया था? तो 1905 में यूडीसी आया था, यानी कि वो ऑप्शन सही है जिसमें बी ऑप्शन में यूडीसी है, तो हमारा राइट, तो ए ऑप्शन भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन हमारा बन जाता है बी। दो से काम चल गया, लेकिन तीसरे को भी देख लेते हैं। तो 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन, ठीक है, तीसरे नंबर, और चौथे में फिर बचता क्या, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग कब आया था? BSO 1978 में आया था। तो थोड़ा सा इस तरह भी हम विश्लेषण कर सकते हैं, कई बार एक ही ऑप्शन से काम चलता है, अगर हमें याद है चार में से दो भी तो भी क्वेश्चन बन जाता है। CC कोलन क्लासिफिकेशन में मुक्त पक्षात्मक संकेत को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका अरेंजमेंट इस हिसाब से होता है, वो दिया गया है, सबसे पहले कॉमा आएगा, फिर सेमी कोलन आएगा, उसके बाद कोलन आता है, कोलन के बाद आता है हमारा डॉट, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, जो अपवर्टेड कोमा होता है वो आएगा। बी ऑप्शन ठीक है। कई क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं भाई साहब, ये पुस्तक अरेंजमेंट भी कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार। यूडीसी संकेत पद्धति अंग्रेजी तृतीय संस्करण के अनुसार सहायक सारणी में प्रतीक इक्वल संकेत करता है,
स्थान का सामान्य सहायक नहीं है, समय का सामान्य सहायक नहीं है, दृष्टिकोण का सामान्य सहायक नहीं है, तो ये क्या है? भाषा का सामान्य सहायक। अकॉर्डिंग टू डीडीसी सॉरी यूडीसी स्कीम, एवरी एडिशन थर्ड एडिशन सिंबल इक्वल इन द टेबल ऑक्सिलरीज आर द कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ द लैंग्वेज। डीडीसी में कोई एक क्रामक अंक जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं है किंतु उस विषय के शीर्षक के उदाहरण के लिए उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बुक नंबर, नहीं कहा जाता संग्राहक अंक, नहीं कहा जाता क्लास नंबर भी नहीं कहा जाता है, तो उसको हुक क्रमांक, हुक नंबर कहा जाता है। थोड़ा सा चेंज है इसलिए हम लोग उसको कह सकते हैं, एक आइडिया मिल जाएगा याद करने का। कौन सा आईएसबीएन तत्व किसी विशिष्ट प्रकाशक या प्रकाशन विवरण को निर्धारित करता है? तो प्रकाशन तत्व को नहीं करता है, पंजीकरण समूह तत्व को नहीं करता है, चेक डिजिट को भी नहीं करता, तो वह है हमारा रजिस्ट्रेशन एलिमेंट या पंजीयक तत्व, इसका आंसर है। राज्यों को उनके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम नियम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन नहीं है लेकिन किताब में दिया गया है तो कर लेते हैं, एक और चीज याद हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सही कर्म क्या है फ्रेंड्स? हरियाणा में कब पास हुआ था? 1989 में। ऑप्शन बन सकता है सी जिसमें सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो सकता है। हरियाणा के बाद 2001 उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, 2006 और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश है, ए ऑप्शन इसमें सबसे लास्ट में। निम्नलिखित सूचना प्रणालियों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या आ सकता है? मैडलार्स 1964 की है, तो सी ऑप्शन जिसमें वो सही हो सकता है। तो डी में हमारा सबसे पहले दिया है मैडलार्स 1964, एक से भी काम बन जाएगा अगर थोड़ा सा थोड़ा याद है। और सबसे लेटेस्ट कौन सी लगती है इनमें? एग्रीस 1975 का, यानी बी ऑप्शन लास्ट है, तो सी सबसे पहले बी लास्ट है, डी ऑप्शन में। मेडलार्स 1964 है, इंसपेक उसके बाद आया था 1967 में, इनिस 1970 वियना में है, एग्रीस 1975 जो कि रोम में है, डी ऑप्शन ठीक है। उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो यूडीसी के विकास से संबंधित नहीं है। देखो फ्रेंड्स हमें क्या पता है, पाल आउटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन दो संबंधित है, तो जब दो ही लोगों ने बनाई थी इसका मतलब क्या है कि दो लोग रोंग हैं जो नहीं है, तो एस आर रंगनाथन और एच ब्लिस नहीं है, यानी कि बी और डी किस ऑप्शन में है? तो ये अच्छा नहीं है, तो जो नहीं है ए और सी, ए ऑप्शन ठीक है। यूडीसी में दो प्रतिनिधित्व करता है, दो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो जूलॉजी और सामाजिक विज्ञान का नहीं करता, सामान्य कार्य का भी नहीं, धर्म का करता है। यूडीसी क्या है कि डीडीसी की क्या आधार पे ली गई है, तो वहां 200 रिलीजन है, वहां से है। डीडीसी में धर्म के लिए मुख्य वर्ग दो क्या है? मुख्य वर्ग क्या है? 200 आ गया ये नीचे, शाबाश, मिलता जुलता। 3 नहीं है, 5 नहीं है, मतलब एनटीपीसी में लगातार ये क्वेश्चन दोनों ही चीजें पूछी गई हैं, तो एक दूसरे के समरूप है, तो ऊपर नीचे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद दूसरा क्वेश्चन हम कर सकते हैं, हिंट मिल जाएगी। कक्षा एक के लड़कों को यूनिवर्स के रूप में माना जाता है, तो प्रासंगिकता को सूत्र किससे संबंधित है? तो रंग से नहीं है, धन से नहीं है, हाइट भी नहीं है। कक्षा एक के लड़कों को यूनिवर्स के रूप में अगर माना जाता है तो मदर टंग, उनकी मातृभाषा के हिसाब से हम कर सकते हैं। डीडीसी के 16वें संस्करण को किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था?
1952 में नहीं किया गया था, 1953, 1955 नहीं है, 1958 तीसरा एडिशन डीडीसी का, 16वां एडिशन डीडीसी का 1958 में प्रकाशित हुआ था। मुख्य वर्ग में डी किस मुख्य वर्ग को संदर्भित करता है, कोलन में, तो इतिहास तो हमारा वी है, साइंस कानून हमारा जेड है, और साइंस का मुझे याद नहीं है, फिजिक्स तो सी है, तो इंजीनियरिंग हमारा है डी। क्लासिफायर शब्द का प्रयोग कौन करता है, तो बलिस, डीवी रंगनाथन क्लस्टर, ये नहीं है। सुसंगति का उपसूत्र किससे संबंधित है, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी इज रिलेटेड विद द कैनन ऑफ एरे ना, कैनन ऑफ चेन ना, कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी ना। राइट आंसर क्या है, विशेषताओं के लक्षण के उपसूत्र, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। निम्नलिखित वस्तुओं को एक गुण को पहचाने, तो बायस का आंसर नहीं है, पुस्तक नहीं है, विषय नहीं है, सही है एज। निशेषता के उपसूत्र किससे संबंधित हैं, तो श्रृंखला का उपसूत्र नहीं है, टर्मिनोलॉजी का उपसूत्र नहीं है, विशेषज्ञों के लक्षण का उपसूत्र, इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है पंक्ति के उपसूत्र, कैनन ऑफ एक निशेषता जो है पंक्ति का उपसूत्र है। डीडीसी का 19वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, 16वां भी किया ही है, तो 19वां हमारा प्रकाशित हुआ था 1876 में, फर्स्ट आया था, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 1979 सी ऑप्शन ठीक है, इसका जो है 19वां संस्करण आया था 1989 में, 79 नवासी नहीं 79, 1979। किस वर्ष कोलन वर्गीकरण का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था, तो कोलन का फर्स्ट एडिशन 1933 नहीं, 39 नहीं है, 52 नहीं है, यह 1933। रंगनाथन के अनुसार दृष्टिकोण आयत नाम इस प्रकार है, तो एरे नहीं है, मुख्य वर्ग नहीं है, जगत नहीं है, क्या है, सत्ता या एंटिटी है। डीडीसी के 19वें संस्करण में क्या निहित है, तो डीडीसी के 19वें संस्करण में निहित है हमारा दो खंड, नहीं है चार खंड, नहीं है एक खंड, नहीं है तीन खंड है 19वें एडिशन के। पहला सीड क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन है, दो पार्ट में बोल वो हमारा शेड्यूल है, और तीसरे पार्ट हमारा रिलेटिव इंडेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयरलिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग पहली बार कब प्रकाशित हुआ था, 1933 तो कोलन है, 53 में भी पब्लिश नहीं हुआ, 43 में भी नहीं हुआ, तो 1923 राइट ऑप्शन है, 1923। किसी पुस्तक की वर्ष संख्या क्या दर्शाती है, कलेक्शन ऑफ ए बुक ना, सब्जेक्ट ऑफ ए बुक हाँ दर्शाती है, राइट आंसर है, कैटेगरी ऑफ ए बुक नहीं, और साइज ऑफ ए बुक नहीं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के कैसे क्वेश्चन लगे, कभी कभी तारीफ कर दिया करो, झूठी ही सही, पल भर के लिए कोई हमारी तारीफ कर दे। फ्रेंड्स बार बार एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर एंड शेयर, शेयर करो अधिक से अधिक, और जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग जरूर अपनी फोटो के साथ हम लोगों को भेजेंगे, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं जल्दी ही, अति जल्दी, बहुत ही जल्दी, तीसरी वीडियो के साथ, दो वीडियो आज हो गई हैं।